नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे शुभम कुमार के बारे में। शुभम कुमार पिछले दिनों बिहार विधान परिषद पहुंचे थे। आइए जानते हैं बिहार विधान परिषद में शुभम कुमार ने क्या कुछ कहा। यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाले शुभम कुमार को अब कौन नहीं जानता। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब उन्हें हर दिन किसी न किसी मंच पर देखा जा सकता है। वह मंचों पर सम्मानित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को बिहार विधान परिषद में सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान शुभम कुमार ने बोलते हुए कहा कि यूपीएससी की तैयारी के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लोग जब जानते थे कि बिहार से हैं, यानी कि जब शुभम कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि जब वो दिल्ली में जब वो तैयारी करने गए थे, तो इस दौरान जो है लोग जानते थे कि शुभम कुमार दिल्ली बिहार से हैं, लोग जो है उनके मकान देने से मना कर देते थे। यूपीएससी परीक्षा में बिहारी छात्रों के कीर्तिमान बनाने के साथ ही स्थिति अब बदल चुकी है। शुभम कुमार ने यह भी बताया कि मित्रों से मिली खबरों की माने तो मुखर्जी नगर में अब लोग बिहारी छात्रों को अपने मकान में डिस्काउंट ऑफर के साथ रखना चाहते हैं। टॉपर होने के बाद यह सबसे सुखद बदलाव देखने को मिला है। बिहार विधान परिषद में बोलते हुए शुभम ने बताया कि जिंदगी में पढ़ाई के दौरान अच्छे दोस्त रखने जरूरी है। छात्रों को कम दोस्त रहे पर अच्छे दोस्त होने चाहिए। अच्छे दोस्त आपको हमेशा ऊर्जा देने का काम करते हैं। शुभम ने यह भी जानकारी दी कि यूपीएससी के रिजल्ट आने से पहले वह अगले यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे आशा नहीं था कि मैं यूपीएससी टॉप करूंगा। सबको अपना कर्म करना चाहिए, नतीजे खुद ब खुद मिल जाते हैं। फर्जी अकाउंट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम तैयारी कर रहे थे तब हम सोशल मीडिया से दूर थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीएससी टॉप करने के बाद शुभम ने ट्विटर अपना अकाउंट बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाए गए जिस पर कई जानकारियाँ शेयर की जा रही है। इस दौरान शुभम ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर टेलीग्राम प्रोग्राम भी लेकर आए हैं जिसके जरिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को अपने एक्सपीरियंस और आइडियाज लगातार शेयर करते रहे हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे ताकि इससे युवाओं का काफ़ी लाभ मिल सके। आपको बता दें कि यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार कटिहार जिले के कदमा के रहने वाले हैं। रिजल्ट के बाद जब वो अपने गाँव आ रहे थे तो उनके स्वागत में मानो पूरा गाँव ही उमड़ पड़ा था। उन्होंने उस समय मंच से कहा कि अपनी मातृभाषा के साथ सभी भाषा में दक्षता हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। शुभम ने कहा कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में गया था तो वहां पर सभी यूपीएससी क्रैक किए हुए लोग बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि शुभम तुम हिंदी क्यों बोलते हो, तुम्हारी मातृभाषा क्या है। मैंने कहा कि अपनी मातृभाषा मैंने कभी सीखा ही नहीं। वहां बैठे लोगों के लिए हिंदी दूसरी भाषा थी, उनके अलावा उनकी कोई ना कोई मातृभाषा थी जिस पर वे गर्व करते हैं। मेरा यह कहना है कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। शुभम कुमार एक तरह से जहाँ पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं, वो पढ़ने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि आपको अपनी संस्कृति से लगाव रखना चाहिए, आपको अपनी मिट्टी से लगाव रखना चाहिए। आप जो है अपने गांव से जुड़ कर रहे हैं, आप अपनी बोली से जुड़ कर रहे हैं, आप अपनी भाषा से जुड़ कर रहे हैं। शुभम कुमार पिछले दिनों बिहार विधान परिषद पहुँचे थे जहाँ उन्हें जो है सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन की कई अहम कड़ियों को लोगों के बीच साझा किया। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।